देशभर के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर रायपुर के बुढ़ापारा धरना स्थल पर छत्तीसगढ़ सेक्टर प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों से बातचीत की है संवाददाता सत्या ने। इस वक्त हम बुढ़ापारा धरना स्थल में मौजूद हैं। यहाँ पे सैकड़ों कर्मचारी यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। हम सीधा कर्मचारियों से जानते हैं कि उनकी क्या मांग है। 15 साल से जो सरकार निकम्मी थी, निमितीकरण नहीं किया, उसको बदल करके ये विश्वास किए थे आदरणीय भूपेश बघेल जी पर, क्योंकि उन्होंने हमारे आंदोलन में मंच में आकर के इस बात का आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 24 घंटे में निमितीकरण कर देंगे। आपको याद दिला दूं, आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है। पिछले 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन पूरे अनियमित कर्मचारियों को सब प्रेस में वादा किया गया था कि हम निमितीकरण करेंगे। ये दुर्भाग्य है, निमितीकरण तो नहीं हुआ। कम से कम 6,000 अनियमित दैनिक वेतन भोगी कंटिजेंसी वर्क चार्ज के कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। उसके खिलाफ में आज महाधरना देकर के हम राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई समय सीमा निर्धारित करें। समय सीमा तो निर्धारित नहीं कर रही सरकार, लेकिन हमारे साथियों को निरंतर छटनी हो रही है। सर, हम महासम्मेलन करने की इससे भी बड़ा महासम्मेलन करना चाहते हैं सर, क्योंकि बार बार शासन की बात हम मान के ही चल रहे हैं और वो हमारी बात नहीं मान रही है, तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करना चाह रहे हैं। जी, छटनी कर जो बड़े बड़े IAS अधिकारी हैं अपने मनमाने ढंग से छटनी कर रहे हैं। इस चीज को जो मंत्री है उनको संज्ञान में लेना चाहिए। उन्होंने वादा किया था कि कोई भी कर्मचारी का छटनी नहीं किया जाएगा। आज सरकार को वादा निभाने के लिए यह आगाज दिया जा रहा है। यदि सरकार शीघ्र ही हमारी मांगों पर विचार नहीं करते हैं, देखा करते हैं, तो हम लोग इच्छा मृत्यु मांगेंगे। किस तरह की कार्रवाई करते हैं? हालांकि अपनी मांग तो रख दिए हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। अब देखना यह है कि इनकी मांग कब तक पूरी होती है। कैमरामैन चोला राम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर मंडला।